हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल में कैलकुलेशंस की। अब जो डेटा है, इस डेटा पे हम पिवट टेबल लगा रहे हैं, इसमें एरिया क्वांटिटी है और एमआरपी है, बट इसमें अमाउंट नहीं है। तो मुझे अमाउंट निकालना है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे नेम वाइज क्वांटिटी लिखता हूँ और एमआरपी का मैं एवरेज देता हूँ, यहाँ से एमआरपी का हमने एवरेज सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए अमाउंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। इसके लिए हम डेटा में चेंज ना करके हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में, और पिवट टेबल एनालाइज में जाने के बाद कैलकुलेटेड फील्ड पे आते हैं, और कैलकुलेटेड फील्ड में हम यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट का हेडिंग, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई एमआरपी, और जस्ट इसको ऐड कर देंगे एंड ओके कर देंगे। यहाँ देखिए हमारा अमाउंट ऐड हो गया। तो इस तरह से हम किसी तरह की कैलकुलेशन करते हैं पिवट टेबल में। अगर आपको लॉन्ग और सीक्वेंस वीडियो चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे रखा है, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लॉन्ग और सीक्वेंस वीडियो देख सकें। थैंक यू।